नमस्कार जी, क्या दिक्कत थी जो आपको हमारे तक किसी ने मैसेज दिया यहाँ तक भेजा? ये पैर की परेशानी, कमर की परेशानी। अच्छा, तो सारे में घूमने में हॉस्पिटल में दिल्ली में जयपुर में कहीं भी जाए तो जयपुर में तो बोली के डाउन कर रही है, कुछ नहीं है। डॉक्टर ने पहले उनसे बोली भगवान तेरे को दे दे सारे दुख, मैं डाउन कर रही तो जब पता लगेगा डाउन का। हाँ, फिर वो बिल्कुल बोली नहीं माँ, तो चार बार जाएगी मेरे को कुछ नहीं हुआ। फैमिली हॉस्पिटल रजनी गुप्ता हॉस्पिटल अग्रसेन इसमें और ब्रह्म शक्ति में और उसमें एम्स में सहारे में इलाज करा लियो कहीं पर रहेंगे। एम्स में एक साल दवाई खवा के बोल दी कुछ बीमारी नहीं हमारी तरफ से ठीक है। लेडीज डॉक्टर ने भी बोली और उसने भी डॉक्टर ने भी हड्डी वाले ने भी दोनों ने। अब हमने सारे की दवाई खा के बैठ गए, ये बोल रहे अब मैं खा ले जाऊँ, डॉक्टर ये बोल रहे कुछ बीमारी नहीं है। इंजेक्शन लगवा लेते हैं और दर्द की गोली ला रखते हैं। भी सोचा कि भाई सबके तौर पे ऐसी दिक्कत है बेड वेड की, तो इसकी बच्चेदानी निकलवा देते हैं, बच्चेदानी के लिए डॉक्टर मना करते हैं। अब एक चीज और पूछता हूँ, कितने साल से परेशान है? 18 साल होगी परेशान, कमर की तो कमर की 18 साल हो गई। अब मैं आपको सारी प्रॉब्लम समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या दिक्कत आई। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये S1 का हिस्सा है। ठीक है, S1, L4, L3 और L5, अगर यहाँ से कोई ब्लॉकेज आती है, ठीक है, 18 साल से लड़का हो यार जब से ही परेशान है, यही परेशान, तो यहाँ से अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है ना, तो यहाँ की ब्लॉकेज पता है क्या क्या साइड इफेक्ट करती है। यहाँ से अगर ब्लॉकेज आई है तो यूट्रस में भी प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कब्ज रहना और लास्ट में कब्ज अगर ज़्यादा देर तक रही तो बवासीर हो जाना या अपेंडिक्स जैसी बीमारियाँ यहाँ से ब्लॉकेज के कारण हो जाती है। कब्ज और पित्त की थैली लिख लें जब से रहने लगा, पहले नहीं पहले पहले तीन टाइम रोटी खाती है, अब वैसे तरफ दो टाइम, तो यहाँ से ब्लॉकेज के कारण ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हमने यहीं की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपको अब स्कूल पास मतलब जो लाइब्रेरी पास करने में भी थोड़ा इजी हो गया होगा, ठीक से सवेरे फ्रेस हो जाते हो बिल्कुल ठीक। हाँ अच्छा, और अब ये बताओ कि आप किस कंडीशन में बैग पेन हमारे पास लेके आए थे, कमर का दर्द किस पोजीशन में था? काफ़ी दर्द हो आपका, अब आ रहा हूँ, अब चलने करने में झुकने में खड़े होकर दिखाना एक बार, अब एक बार झुक के दिखाओ क्योंकि मैं कितना झुक, अभी कोई दिक्कत आई? एक बार हल्की सी वैसे दर्द हल्का सा वो भी चला जाए। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे इलाज से संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो? ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को भी मैसेज देना चाहोगे क्योंकि यहाँ होंगे तो मैसेज तो देंगे क्योंकि वहाँ पर हम अच्छे ठीक होंगे तो डॉक्टर साहब कम से कम तक 6-7 मरीज तो घर में ही है। हाँ ठीक, तो अभी आप उन 6-7 मरीजों को भी अगर ये कहोगे कि मैं 50% ठीक हो गई हूँ तो उनको भी एक लगन लगेगी कि भाई हम भी वहाँ पर जाए, क्या ऐसा मैसेज कुछ देना चाहोगे? चाहेंगे और चाह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उनसे मेरा आराम है और ठीक हो जाएंगे, तो पहले मैं दिखा लूँ बात तो लिस्ट लूँगा। तो दोस्तों हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 1444, हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8447909109 पे ज़रूर संपर्क करें अगर कोई भी प्रॉब्लम नसों की वजह से आए, डिस्क की वजह से आए या सर्वाइकल की वजह से आए, तो हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।